हेलो फ्रेंड्स आभ दिस साइट एंड आई एम हियर विद अ न्यू वर्ब एंड टूडेज वर्ब इज़ ऐड एंड इट हैज़ फाइव फ्रेजल वर्ब्स फर्स्ट इज ऐड टू सेकेंड इज एड ऑन थर्ड इज एड अप फोर्थ इज एड अप टू एंड फिफ्थ इज एड इन नाउ लेट्स सी द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ द सेम एड टू इसका मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज़ का जुड़ जाना और उसकी कंडीशंस को और एक्सट्रीम कर देना या उसको साइज़ में बढ़ा देना या उसको नंबर में बढ़ा देना फ़ॉर एग्जांपल यू हैव पास्ड योर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड योर फादर हैज़ गिफ्टेड यू एन आईफोन तो आपने पास कर लिया अच्छे नंबर से आप खुश थे फिर आपके फ़ादर ने आपको एक आईफोन दे दिया तो आपकी जो खुशी वाली फीलिंग थी दैट वॉज एडिड टू वो और बढ़ गई वो और एक्सट्रीम हो गई नाउ सही था एग्जाम्पल द अरावल ऑफ़ अव स्ट्रेन ऑफ वायरस ओनली एडेड टू द करेंट पैंडमिक जो करेंट पैंडमिक चल रहा था उसको और भी वर्जन कर दिया और भी एक्सट्रीम बना दिया किसने ये जो नए स्ट्रेन का अराइवल हुआ उसने आई होप दिस इज़ क्लियर वन मोर पीरियड इज एडिड टू द स्केड्यूल ऑलरेडी एट पीरियड्स थे एक और पीरियड एड हो गया तो क्या हुआ नंबर में पीरियड्स बढ़ गए यानी कोई और चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ में ऐड हो गई और उसने उसकी इंटेंसिटी उसकी एक, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया उसको और एक्सट्रीम बनाया दैट इज़ ऐड टू सेकेंड इज ऐड ऑन ऐड ऑन समथिंग इफ यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग आप किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हो और आपने उसमें से किसी एक एलिमेंट को जोड़ लिया दैट इज़ ऐड ऑन द एग्जाम्पल यू आर सपोज टू ऐड जी एस टी ऑन टू द मार्क प्राइज वाइल मेकिंग द बिल आप बिल बना रहे हो तो मार्क प्राइस पे आपको जी एस टी एड ऑन करना है कैलकुलेशन करते वक्त नाउ सी द थर्ड वन दैट इज एड अप इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग टू मेक अ टोटल और सम मैथेमेटिकली यानी सिंपली किसी चीज़ को मैथेमेटिकली जोड़ना क्या होता है एड अप

कोई ऐसी चीज़ क्या है ना जिसका सेंस हो जिसका लॉजिक हो और वी कैन से ऐसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना जो सेटिस्फैक्ट्री हो मतलब हाँ कोई उसको समझ पाए कोई उस पर बिलीव कर पाए दैट इज़ एडअप नाउ सी द एग्जाम्पल शी एक्सप्लेन वाई शी वॉज लेट जब वो लेट आई उससे पूछा गया कि तुम लेट क्यों थी शी एक्सप्लेन बट हर स्टोरी डजेंट एडअप पर उसकी जो स्टोरी थी उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था फॉर एग्जाम्पल आप लेट हो जाएं और आपसे कोई पूछे आप लेट क्यों हो गए और अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव सीन अ डायनासोर तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा एनी वन कैन कैच यू कि यू आर लाइंग इ लॉजिकल मीन्स एड अप मीन्स टू मेक अ सेंस किसी लॉजिकल बात को करना नाउ नेक्स्ट इज ऐड अप टू एड अप टू मीन्स किसी चीज़ को जोड़ के किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जाना कोई फिक्स्ड अमाउंट आना या किसी चीज़ों की मदद से किसी एक रिज़ल्ट पे किसी एक कंक्लूज़न पे पहुंचना दैट इज़ एड अप टू तो दीज क्लीव्स डोंट रियली एड अप टू वेरी मच ये जो क्लीवस हैं हमारे पास इनसे हम किसी प्रॉपर कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच रहे प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे या ये सफिशियंट नहीं है रिजल्ट पे पहुंचने के लिए दीज कॉइंस ऐड अप टू एग्जैक्टली हंड्रेड अब ये जो कॉइंस हैं ये अगर हम टोटल जोड़ें या एड अप टू करें तो हमें क्या मिलेगा हंड्रेड नाउ द लास्ट इज ऐड इन टू इंक्लूड समथिंग टू समथिंग किसी चीज़ में किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेना सी द एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट टू एड आइस क्यूब्स इन कोल्ड ड्रिंक्स ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें आइस क्यूब डालना मत भूलना देखिए कोल्ड ड्रिंक इज समथिंग आइस क्यूब इज समथिंग एंड आइस क्यूब इज एडिंग इन कोल्ड ड्रिंक So, I hope this is all clear to everyone, and that's it for today. Thank you, and please try to use all the phrasal verbs in your statement and write down the same in comments. Bye bye.